बहराइच में पकड़े गए पांचवें भेड़िए को गोरखपुर लाया गया। शहीद अशफाक उल्ला खान जो लाया गया भेड़िया, इससे पहले भी एक भेड़िए को गोरखपुर चिड़ियाघर लाया गया। बहराइच में अभी भी एक भेड़िए की तलाश जारी। वन विभाग की कई टीमें लगातार कर रही है गश्त। लोगों से फिलहाल सावधानी बरतने की सलाह। बच्चों को घर से बाहर न निकलने देने की अपील। बहराइच में भेड़ियों के हमले की वजह से रेबीज या कैनाइन डिस्पेंटर वायरस हो सकता है। जानवरों के विशेषज्ञ बोले सटीक विश्लेषण के बाद ही पता लग पाएगी आतंकखोर बनने की सही वजह। यूपी के बाद अब एमपी में सीआर का आतंक। खंडवा जिले में सीआर ने कई लोगों पर हमला कर दिया। सीहोर जिले के रेहटी में एक शख्स को हमला कर घायल किया। तीन दिन में 11 लोगों पर हमला कर चुके हैं सीआर। पहले खंडवा जिले में सोते समय एक परिवार पर किया था हमला, 5 लोग घायल हुए थे। रेहटी में खेत में काम कर रहे 6 लोगों पर किया था। मणिपुर के इम्फाल में प्रदर्शनकारी छात्रों की राजभवन कूच की कोशिश। पुलिस के साथ झड़प में 40 लोग घायल। हालात बिगड़ने पर भेजे गए 2000 सीआरपीएफ जवान। 5 जिलों में इंटरनेट बंद। इम्फाल में हालात बिगड़ने पर निकाला गया फ्लैग मार्च। पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। मणिपुर की स्थिति काफी खराब है, बोले मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा। किसी राज्य की घटना का दूसरे राज्य पर पड़ता है असर। हम केंद्र सरकार से कर रहे हैं राजनीतिक समाधान की मांग। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को लेकर विवाद। चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा। हिंदू संगठनों ने आज संजौली में प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रशासन ने नहीं दी है प्रदर्शन की इजाजत। संजौली में प्रदर्शन के ऐलान पर शिमला के एसपी ने कहा इलाके में धारा 163 लागू, प्रदर्शन की इजाजत नहीं। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। मस्जिद मामले पर बोले मुख्यमंत्री सुक्खू, कानून करेगा अपना काम। वित्तीय कुप्रबंधन के मुद्दे पर विपक्ष को घेरा। कहा 2017-18 में राजस्व घाटा। अनुदान 11,000 रुपए तक मिला लेकिन अब मिलेगा 3,000। मंडी के जेल रोड अवैध मस्जिद के निर्माण का दावा। लोगों ने निकाली रैली। कहा लोगों के अवैध निर्माण होते हैं तुरंत कार्रवाई, लेकिन अवैध मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं। प्रधानमंत्री आज सेमिकॉन इंडिया 2024 का करेंगे उद्घाटन। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में होगी शुरुआत। शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर एक्सपो का विषय। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले यूपी के सीएम योगी ने ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट का किया निरीक्षण। जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण किया और समीक्षा बैठक। दिल्ली में इंडिया आइडियाज समिट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे संबोधित। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल ने किया आयोजन। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शाम 6 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। कोलकाता में आज भी जारी है डॉक्टर्स का प्रदर्शन। ममता सरकार से सहमति ना बनने पर काम पर लौटने को तैयार नहीं है जूनियर डॉक्टर्स। स्वास्थ्य मुख्यालय के सामने दे रहे हैं धरना। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। लेडी डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में हड़ताल। आरोपियों को सख्त सजा की मांग। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने ठुकराया सरकार की बातचीत का प्रस्ताव। ईमेल के जरिए भेजे गए निमंत्रण की भाषा पर आपत्ति। ईमेल की भाषा को बताया अपमानजनक। कोलकाता की घटना को लेकर जूनियर डॉक्टर्स ने की मांग। कहा कोलकाता पुलिस कमिश्नर और स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का होना चाहिए इस्तीफा। पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का बयान। कहा मुख्यमंत्री ने आंदोलनकारी डॉक्टर्स की ओर शांति की पहल कर सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नया फरमान। सभी मंत्रियों को डॉक्टर्स के आंदोलन को लेकर खुद भी बयान देने से मना किया। कहा जो कहूंगी मैं कहूंगी। पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेंगे। पश्चिम बंगाल की कैबिनेट में लिया गया फैसला। अभी पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या है 62। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के सोलापुर से। उसका भी हम रुख करेंगे और आपको बताएंगे कि इस तरीके से देश दुनिया में तमाम चीजें चल रही हैं। कुछ और खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज। महाराष्ट्र के सोलापुर में रेल ट्रैक पर मिला था बड़ा पत्थर। सूत्रों के मुताबिक 4 सितंबर का है मामला। कुर्दुवाड़ी रेलवे स्टेशन से करीब 1 किलोमीटर दूर बने सिग्नल पॉइंट की घटना। निराज सिंह ने एक्स पोस्ट कर कहा रेल ट्रैक के पास से अवैध निर्माण होने चाहिए। ध्वस्त पत्थर मिला बड़ी व्यवस्थाओं का हिस्सा जो आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देती है।
कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश, एडीजी रेलवे ने कहा कि घटना से जुड़ी जानकारी देने वालों को दिया जाएगा इनाम। कानपुर में 10 संदिग्धों से पूछताछ जारी, रेलवे अधिकारियों के मुताबिक जल्द होगा घटना का खुलासा, घटना से जुड़े कई लोग चिन्हित किए। रेलवे ने एक्स पर पोस्ट करके जारी की चेतावनी, कहा रेल पटरियों पर किसी भी प्रकार का सामान रखना दंडनीय अपराध है, ये यात्रियों की सुरक्षा के लिए हो सकता है खतरा। ट्रेन डिरेल करने की साजिशें सामने आई, अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं वंदे भारत ट्रेन के पायलट, 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की चलने वाली ट्रेन की सुरक्षा का रखा जा रहा है ध्यान। यात्रियों ने रेल ट्रैक पर भारी सामान मिलने की घटनाओं पर जताई चिंता, कहा रेलवे और सरकार लगाम लगाए, कुछ यात्रियों ने सरकार को बदनाम करने की साजिश भी बताया। वंदे भारत ट्रेन के क्रू मेंबर्स भी ट्रेन डिरेल करने की साजिश पर दिखे चिंतित, कहा ये बढ़ा देता है रेल कर्मचारियों की चुनौतियां। झांसी में रेलवे प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती, आरपीएफ टीम ने रेल कर्मचारियों के साथ की रेल ट्रैक की जांच, पटरियों के आसपास भी जांच में जुटे रहे कर्मचारी। और अब चलिए देखते हैं विधानसभा चुनाव से जुड़ी हलचल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन जारी, आज पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा भरेंगे पर्चा, गणित सांपला सीट से लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट आज जुलाना विधानसभा सीट से करेंगे नामांकन, नामांकन के पहले रोड शो, सांसद दीपेंद्र हुड्डा और सतपाल ब्रह्मचारी रहेंगे मौजूद। विनेश फोगाट ने कहा कि पूरा भरोसा है कि जनता देगी हमारा साथ, हमें मोदी जी से कोई उम्मीद नहीं है, हमने जो झेला कांग्रेस सरकार बनने पर किसी को नहीं झेलने देंगे। हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज आज दाखिल करेंगे नामांकन, अंबाला छावनी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं चुनाव, दोपहर 12 बजे नामांकन के लिए रवाना होंगे। आम आदमी पार्टी ने जारी की 11 प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी उतारा उम्मीदवार, अब तक 40 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है आम आदमी पार्टी। जेजेपी नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने डबवाली से भरा पर्चा, साथ में मौजूद थे आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद, कहा रनिया में रणजीत सिंह चौटाला का समर्थन करेगी जेजेपी। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के नेताओं का मंथन, दिल्ली में कांग्रेस पर्यवेक्षकों की हुई बैठक, खड़गे की अध्यक्षता में हुई मीटिंग। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के प्रचार में कांग्रेस ने उतारे बड़े नेता, आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का चुनावी दौरा, अनंतनाग में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर का बयान, रशीद की जमानत से बीजेपी पर असर नहीं, इससे उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर पड़ेगा असर। उमर अब्दुल्ला ने कहा रशीद को कश्मीर के लोगों से वोट लेने के लिए दी गई जमानत, बीजेपी कर रही साजिश, लोगों से अपील किसी तरीके से वोट न बटे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां, बीएसएफ के आईजी दिनेश कुमार बोरा ने की डोडा के गंडोस में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा, कहा लोग बिना डर के चुनाव उत्सव में हिस्सा लेंगे। आज यूपी महिला आयोग का उपाध्यक्ष पद संभालेंगी अपर्णा यादव, अमित शाह भूपेंद्र चौधरी के भरोसे के बाद मानी, कद और योग्यता के मुताबिक पद न मिलने से थी नाराज। ओवैसी की पार्टी से गठबंधन पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस विजय वट्टेवार, एआईएमआईएम की तरफ से नहीं आया कोई लिखित प्रस्ताव, टीवी पर बात करने से गठबंधन नहीं होता। महायुति में सीट बंटवारे पर बोले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, गठबंधन के सभी दल साथ बैठक कर रहे हैं, 228 सीट में अधिकतर पर चर्चा हो चुकी है। और चलिए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं राजनीति से जुड़ी हुई कुछ और खबरें। वॉशिंगटन में बोले कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मैं आरक्षण के खिलाफ नहीं, कुछ लोगों ने मेरा बयान गलत तरीके से पेश किया, सभी का है देश एक व्यापक सोच की जरूरत। आरक्षण से जुड़े राहुल के बयान पर बीजेपी ने कहा कि देश की बदनामी करने के लिए मिशन मोड पर है राहुल गांधी, राहुल और कांग्रेस आरक्षण को समाप्त करना चाहते हैं। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने फेसबुक पोस्ट कर कहा आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई, कांग्रेस आरक्षण खत्म कर दी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बीजेपी पर आरोप, कहा राहुल को बदनाम करना चाहती है बीजेपी लेकिन जनता राहुल के साथ है, बीजेपी जैसा एजेंडा चला रही है उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। राहुल गांधी ने कहा भारत में मीडिया न्यायपालिका नहीं कर रही काम, विचारधारा की लड़ाई है, केवल अंबानी और अडानी के लिए सब कुछ, गरीब मजलूम लोग वंचित।
नेता प्रतिपक्ष राहुल का दावा, मुझ पर ढेर सारे केस हुए, जेल में है एक मुख्यमंत्री। भारत में लोकतंत्र टूटा, महाराष्ट्र में यही हुआ, लोकतंत्र वापस लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं हम लोग। सिख समुदाय पर राहुल के बयान पर बोले बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर, महत्वपूर्ण पद पर होने के बाद भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे राहुल, वो केवल देश को बदनाम करना चाहते। एसीबी नेता परमबंस सिंह बंटी रुमाना ने कहा कि ये सच है, सिख समुदाय के साथ हो रहे हैं गलत काम, लेकिन बीजेपी भी इसमें शामिल है। राहुल का इस विषय पर बोला पाखंड। राहुल के बयान को एसपी सांसद डिपल यादव ने सच बताया, कहा सच बोलने वालों से होती है बीजेपी को तकलीफ, राहुल सच बोल रहे हैं तो बीजेपी परेशान। राहुल गांधी का बयान, चीन ने भारतीय हिस्से पर कब्जा किया, करीब 4000 स्क्वायर किलोमीटर भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा, मोदी इससे कैसे निपटेंगे। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा सारे अर्थशास्त्री कहते हैं कि सप्लाई चेन पर चीन का कब्जा, उसे चुनौती देने की बात कही तो क्या राहुल ने गलत कहा। नीतीश कुमार को लेकर तेजस्वी यादव का बड़ा दावा, जब हमारे घर आए थे तो गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन अब नहीं करेंगे उनका भला, कोई नहीं जानता कि नीतीश कब पलटी मार। आरजेडी नेता तेजस्वी के बयान पर जेडीयू की तीखी प्रतिक्रिया, बीजेपी ने चुनौती देते हुए कहा वीडियो है तो जारी करें। तेजस्वी यादव ने एबीपी न्यूज से कहा बीजेपी से कहते हैं आरजेडी में नहीं जाएंगे, हमारे साथ थे तो कहते थे कि बीजेपी में नहीं जाएंगे, खत्म हो गई है नीतीश कुमार की विश्वसनीयता। कर्नाटक के गृहमंत्री परमेश्वर ने कहा फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने का सवाल नहीं, मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं। आज कोर्ट में होगी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी, शराब नीति से जुड़े मामले में राउत रेवेन्यू कोर्ट में आज होगी पेशी। यूपी मदरसा एक्ट से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, असंवैधानिक घोषित करने के अलावा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई। मदरसा मामले में एनसीपीसीआर भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, का शिक्षा का सही माहौल नहीं, मजहबी तालीम पर है जोर, बच्चों को नहीं मिल पा रही है मुख्य धारा की शिक्षा। संसद में सुरक्षा में लापरवाही का मामला, आरोपी नीलम की जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला, आज दिल्ली पुलिस ने किया नीलम की बेल का विरोध। आज तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं सांसद इंजीनियर रशीद, कल दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत, फैसले का रशीद की पार्टी एआईपी के नेताओं ने स्वागत किया। और अब राज्य की खबरों का रुख कर लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने राज्यपाल को लिखा पत्र, मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर राज्यपाल से अपील, हाईकोर्ट से सिटिंग जज से न्यायिक जांच की मांग। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने 90 लाख रुपए कैश बरामद, रकम के बारे में सही जानकारी न देने पर आरपीएफ ने जब्त की रकम। पंजाब के भटिंडा में डबल मर्डर, बाप बेटे की हत्या से सनसनी, डॉगी को लेकर हुए विवाद के चलते वारदात, पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार से सहरसा में बुजुर्ग शख्स को बदमाशों ने मारी गोली, अज्ञात हमलावर गोली मारकर हुए फरार, अभी तक साफ नहीं हुई है घटना की वजह, पुलिस जांच में जुटी। बिहार के आरा में सन की पति ने अपनी पत्नी और दो बच्चों की जान ली, बेरहमी से उतारा मौत की घाट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। गाजीपुर में एसडीएम ने होटल में की छापेमारी, 7 युवक और युवतियां आपत्तिजनक हालत में मिले, होटल को किया गया सील, युवक युवतियों के परिजनों को बुलाकर दी गई जानकारी। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में फर्नीचर फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं सोफे, आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। लखनऊ में कार ने मारी आइसक्रीम वाली को टक्कर, नशे की हालत में कार चला रहा था शख्स, आइसक्रीम विक्रेता की मौके पर मौत, पुलिस ने कार सवार युवक और युवतियों को हिरासत में लिया। प्रयागराज में बिजली का तार बदलते समय हादसा, बैलेंस बिगड़ने पर नीचे गिरा लाइनमैन, मौके पर मौजूद कर्मचारियों की सूझबूझ से जान बची। जयपुर में एक फैक्ट्री पर खाद्य विभाग का छापा, गुलाब जामुन बनाने वाली फैक्ट्री पर हुई छापेमारी, नकली सामान से तैयार किए जा रहे थे रसगुल्ले, साफ सफाई का भी ध्यान नहीं रखा जा रहा।